क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रयागराज में पत्नी ने पति पर लगाया देह व्यापार का आरोप। मामला प्रयागराज स्थित हड़िया तहसील के चकमदा गांव का है। चकमदा गांव की महिला जिसका निकाह हड़िया निवासी सेरा से 1.5 वर्ष पहले हुआ था, सेरा के निकाह के बाद वो अपनी पत्नी को दिल्ली ले गया, जहां पर पति सेरा अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ रहने को कहा करता था, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। इस पर पति ने कहा कि अब तुमको यहीं रहना पड़ेगा। उसके दोस्त पीड़िता को गलत निगाह से देखते थे। पत्नी ने जब पति को उसके दोस्तों की हरकतों के बारे में बताया तो पति उससे कहने लगा कि ये सब आम बात है और इन्हीं के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। पत्नी के मुताबिक पति एक बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है जो अवैध असला भी साथ लेकर चलता था, जिसकी सूचना हड़िया थाने को दी गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्नी ने कहा अब तो प्रशासन से भरोसा उठता जा रहा है। क्षेत्राधिकारी हड़िया ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कार्रवाई जल्द की जाएगी। कहाँ पर घर है आपका? चकमदा। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यही है कि मैं शादी की थी और मेरे पति से ही समस्या है। मैं शादी की, मुझे लेके गया दिल्ली। जब दिल्ली ले गया तो वहाँ पर मुझे बहुत बुरी तरीके से रखा है, और जब मैं उससे बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो बोला तुम्हें इन लोगों के बीच में रहना। तो हमने कहा किन लोगों के बीच में? तो बोला गुंडे बदमाश, और तुम धंधा करोगी और तुम मुझे कमा के दोगी तभी अब तुम रहोगी यहाँ। शादी कितना साल पहले हुआ था? शादी 1 साल 5 महीना हो गया। पति का क्या नाम है? पति का नाम है सेरा। सेरा, इसके लिए आपने प्रशासन से कोई मदद मांगा है? हाँ, हमने मांगा था और रात में गए मेरा आदमी और मेरे पापा दोनों मिल के मेरे घर पे आके मुझे मारे। और जब मैं वहाँ थाने गई, रिपोर्ट दर्ज कराई, सब कुछ किया, तो उन लोगों ने रात में कार्रवाई जो किया ठीक है। उसके बाद चूतिया बना दिया। सुबह जब मैं गई तो वो लोग चूतिया बना दिए। चूतिया क्या बनाया आपको? उन लोगों ने एक भी काम मेरा नहीं किया था। उन लोगों ने बोला कि हम लड़के की चलान कर देंगे और तुम लोग जाओ घर, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसके बाद वो फ़ोन किया, मुझे धमकी आने लगा कि अब तुम लोगों को जान से मारेंगे। कौन धमकी दिया? मेरे हस्बैंड। अच्छा। और बोले कि जान से मार देंगे, अब तुम्हें जीने नहीं देंगे। और मेरा बाप आया प्लस मुझे गाली दिया, और वो भी आया धमकिया। क्या आपका हस्बैंड आप घर भी आया था छूटने के बाद? क्या आपका हस्बैंड छूटने के बाद घर पर भी आया, धमकी देने आया था? जी हाँ। क्या धमकी दे रहा था? धमकी दे रहा था कि सबको जान से मार देंगे और तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो और अगर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एक्षन? तो अगर हम कुछ कर लेंगे ये सब टेंशन की वजह से, और मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन। आत्महत्या क्यों कर लेंगे? अपने पति की वजह से कि प्रशासन की वजह से? मैं प्रशासन। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हमारी लड़की के साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या नाम लड़की का? तैयबा। क्या बुरा हो रहा है? बुरा ये हो रहा है कि मेरा दामाद उससे गलत काम करवाना चाहता है। जब मेरी लड़की उससे एक भी नहीं हुई, घर में सबसे बता दी, हम लोगों ने इनके जुल्म की वजह से किसी तरह से अपनी लड़की को उनके चंगुल से निकाल लिया। जब निकाल लिया हम अपने घर ले आए, इनके साथ हम लोग जाने नहीं दिए। आपके दामाद का नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हैं? दामाद का नाम है सेरा कहते हैं, सेरली नाम है, और हमारी लड़की का नाम तैयबा है। हम रहने वाले चकमदा के हैं, थाना हंडिया लगाता है। लड़के घर कहाँ है? लड़के का घर हंडिया है। शादी कितना साल पहले आपने किया था? ये 1 साल 5 महीने हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो आपने शादी किया था उसमें कुछ लेन देन का मामला हो या कुछ और मामला है? लेन देन का क्या मामला बताएं, जो उसने कहा था वो हमने किया। अच्छा। हाँ, उसने कहा मेरे पास धंधा बिजनेस नहीं है, हमको नगद पैसा दे दो, हम कुछ धंधा करेंगे। तो उस समय हमारे पास जो था जी जी 1,50,000 जो मेरे अल्लाह औकात दिया था, हमने उसको दिया। हाँ, उसके बाद ये गया,
अब क्या किया क्या नहीं किया कुछ करके नहीं दिखाया। शादी के कितना दिन बाद बाहर ले गए? बाहर ले गया शादी के कुछ दिन बाद ये बाहर लेके गया, शादी करने के क्या कहते हैं मतलब साथी में लेके चला गया उसी वक्त। तो वहाँ पे कैसा गलत काम करवाने का? वहाँ गलत काम यह था, गलत गलत लौंडों के बीच में हमारी लड़की को रखा, और जब हमारी जब ये कहीं निकल जाए गल बगल तो वो लोग गलत नज़र डालें। एक दिन कोई लड़का है जो है इससे बदतमीजी की, तो ये समझ गई कि ये कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे, ये भाग के वहीं बाजू में कोई रहने वाली थी उसके यहाँ ये चली गई। जाके फिर ये अपने हस्बैंड से बताई तो उसने क्या कहा, अरे तो क्या हुआ, अरे हंसी मजाक कोई कर रहा है तो इससे क्या जा रहा है, मतलब तुम जाओ अपने कमरे में, ऐसा क्यों कर रही हो, वो लोग बीच में है तुमको इसी बीच में रहना है। तो ये बोली कि क्या तुम यही कराने के लिए मुझे यहाँ पे लाए हो? तो बोला कि हाँ तुमको यही करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये नहीं मानी तो इसको वहाँ बहुत मारा। अच्छा अभी हाँ। आप जब पुलिस थाने गई हैं हाँ, तो वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला, आपके साथ क्या कोई कार्रवाई किया गया? नहीं, ये घर में घुस के हम माँ बेटी को मारा, आप कोई लेडीज नहीं है, नहीं हम आपको चोट भी दिखा देते, और इसके वजह से आप लोग जेंट्स हैं नहीं दिखा पा रहे हैं। जब हम ये लोग हमको घुस के घर में मारे, हमारे घर में कोई नहीं है, उसके बाद हम तुरंत हमारी लड़की जो है 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर वाले बेचारे तुरंत आए आए तो फिर वो पकड़ के ले गए, और पकड़ के जब वहाँ ले गए उसके बाद वो थाने में छोड़ दिए। फिर रात में ये लोग इश्तहार लिखे, उसके बाद हमको कोई मतलब उसका प्रूफ नहीं दिए। हम बोले कि क्या करें, बोले कि आपका हो गया, आप सुबह आइएगा। जब हम यहाँ से 11 बजे गए तो थाने का हम चक्कर काट रहे हैं, जब उनसे पूछ रहे हैं तो लोग हमको दिलासा क्या दे रहे हैं, आपका काम हो गया है और आप जाइए, उसका चालान कर देंगे, उसको हम नहीं भेज देंगे, और आप घबराइए मत, आप जाइए, हमको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। बोले नहीं नहीं आपका सब काम हो गया, हमको चूतिया बना के वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये लोग थाने वाले गुंडे बदमाश के रखेल बन चुके हैं, इनसे कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है, इनके ही वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपराधियों का मन जो है बढ़ चुका है, यही वजह से कि हम जाएंगे थाने में पैसा देंगे और देने के बाद हम छूट जाएंगे, हम चाहे जो करेंगे, पुलिस वाले उनके रखेल हैं। हरिया से हरिशंकर पटेल की एक रिपोर्ट।